डियर स्टूडेंट्स, हमारे इस यूट्यूब के चैनल पर एक बार आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 11th एनसीईआरटी मैथ का अगला एक्सरसाइज। चैप्टर 9 चल रहा था, सीक्वेंस एंड सीरीज चल रहा है। 9.2 तक हमने सॉल्व कर लिया है और 9.2 में समांतर श्रेणी था, अनुक्रम का पहला फॉर्म था। अब हम 9.3 को देखेंगे, अनुक्रम का सेकेंड पार्ट जिसका नाम है गुणोत्तर श्रेणी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आर ज्योमेट्रिक सीरीज, गुणोत्तर श्रेणी कहते हैं इसको हिंदी में। तो हम आपसे पहले ही कह देते हैं कि आप वीडियो को शुरुआत से देखिएगा, कहीं भी क्वेश्चन पे मत पहले भागिएगा। इसको कॉन्सेप्ट को समझ गया तो पूरी लाइफ क्वेश्चन आपको कहीं फंसा नहीं सकता, और अगर क्वेश्चन खाली लगाओगे तो हर बार फंसोगे। तो इसलिए पहले इनके कॉन्सेप्ट को समझते हैं, कैसे कैसे क्या होता है। थोड़ा समय लगता है तो लगने दीजिए, लेकिन पढ़ाई बेहतरीन होनी चाहिए। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जो हमारे नए नए वीडियो अपलोड हो रहे हैं वो आप तक पहले पहुंचे और आप उसका फायदा पहले उठाए। तो हो गया ना, हो गया सर, रोज वाला काम तुम्हारा हो गया, पढ़ाओ, चलो आ जाओ। आज हम पढ़ेंगे सीक्वेंस का दूसरा रूप, अनुक्रम का दूसरा रूप, यह है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन या फिर ज्योमेट्रिक सीरीज भी कहते हैं। प्रोग्रेशन सीरीज में आप अंतर जानते हैं, ये बहुत थोड़ा सा मोड़ा होता है। एक ऐसा अनुक्रम जिसमें प्रत्येक पद पूर्व पद को एक अचर राशि से गुणा करने पर प्राप्त होता है, गुणोत्तर श्रेणी कहलाती है। जिसमें प्रत्येक पद अपने पूर्व पद को एक अचर राशि से गुणा करने पर प्राप्त होता है। जैसे गुणोत्तर कहने से ही पता चलता है गुणा आएगा, तो समांतर में क्या था, अंतर था, गुणोत्तर है तो गुणा आना है। तो चलो एक एग्जांपल लेते हैं। मान लिया 2, 4, 8, 16, 32, 64 डॉट डॉट डॉट। तो इस वाले सीरीज को आप देखो जरा, खासियत क्या है। 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 2 32, 32 64। आप क्या देख रहे हो कि प्रत्येक पद में दो का गुणा हुआ है। तो हमने कहा ना, गुणोत्तर श्रेणी है तो जैसे कि गुणा के रूप में आगे बढ़ेगा, बस गुणा के रूप में आगे बढ़ रहा है। इनको ऐसे लिख सकते हो, 2 2 × 2 ये हो जाएगा 4 × 2, इसमें 2 का गुणा, फिर इसके बाद इसमें 2 का गुणा, ये हो जाएगा 8 × 2, फिर इसमें 2 का गुणा, 16 × 2, फिर इसमें 2 का गुणा, 32 × 2 डॉट डॉट, ऐसे आगे बढ़ रहा है। हर एक पद में 2 का गुणा हुआ है। यहां भी कर सकते हो 1 × लगा सकते हो, पहले वाले में भी देखो, यहां भी मल्टीप्लाई 2 का हुआ, यहां भी, यानी कि गुणा के रूप में आगे बढ़ रहा है। इसी को हम कहते हैं गुणोत्तर श्रेणी, गुणा के रूप में आगे बढ़ना। अब जानते हो स्टूडेंट, अब देख रहे हो कि कितने का गुणा होकर आगे बढ़ रहा है, 2 का गुणा। कितने का गुणा होकर आगे बढ़ रहा है, 2 का गुणा। मतलब कि आपने समांतर श्रेणी में पढ़ा था, अंतर पढ़ा था, सार्वांतर, ठीक है ना। और यहां पे हम इसे अनुपात के रूप में कहते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, अनुपात भी कहते हैं, कि एक निश्चित अनुपात में आगे बढ़ रहा है, एक निश्चित अनुपात में आगे बढ़ रहा है। जैसे देखिए, इसको कह सकते हो यहां से 4 2 16 8 64 32, जो इनके पद है ना, एक अनुपात के रूप में आगे बढ़ रहे हैं। उसमें क्या था, सेकेंड से पहला घटाते थे तो सर्वांतर निकलता था, यहां पे अनुपात है तो इसे हम कहते हैं सर्वानुपात कहते हैं। क्या कहते हैं, सर्वानुपात कहते हैं। जिस अनुपात में आगे बढ़ रहा है इसे हम कहते हैं सर्वानुपात, दिखाते हैं स्मॉल आर से, यह ध्यान दीजिएगा। सर्वानुपात है जी, मतलब कि जितने का गुणा होके वो आगे बढ़ रहा है उसी को सर्वानुपात कहते हैं, दिखाते हैं आर से। वहां सर्वांतर डी से होता था, यहां पे सर्वानुपात किसे दिखाते हैं, आर से दिखाते हैं। चलो अब अगर कोई कहता है सर्वानुपात निकालने का बताओ परिभाषा, मतलब कि क्या होता है सूत्र, तो सर्वानुपात आर बराबर दूसरा टर्म बटे पहला टर्म,
यानी कि अनुपात ही, क्योंकि अनुपात है तो, लेकिन अब आप ध्यान दीजिएगा कि पहले ये पीछे वाला फिर बटे उसके आगे वाला कहीं निकल सकता है, पीछे वाला बटे आगे वाला, पीछे वाला बटे आगे वाला, वो अनुपात हर जगह समान आएगा। बस यह ध्यान रहे कि पहले पीछे वाला टर्म लिखा जाता है, यहाँ पे बिहाइंड लिख सकते हो, फिर उसके आगे वाला, ठीक है ना। पहले पीछे वाला टर्म फिर आगे वाला, यानी कि सर्वानुपात आर बराबर कहीं से भी कोई रैंडमली उठा सकते हो आप, इनको उठाओगे तो बटे इनको करना पड़ेगा, इनको उठाओगे तो बटे इनको करना पड़ेगा, ठीक है ना। ये होता है सर्वानुपात। चलो अब आगे मैं बताऊं थोड़ा सा और आपको, यहां भी पहला पद जो दिखाया जाएगा ए से दिखाया जाएगा, यहां भी जो पहला पद दिखाया जाएगा इसे दिखाया जाएगा ए से, प्रथम पद को हम दिखाएंगे ए से और सर्वानुपात वो दिखाएंगे स्मॉल आर से, ठीक है ना। चलो अगर हम कहते हैं कि कोई ऐसा अब बना दो, मेन फार्म बना दो ताकि कहीं से किसी को दिक्कत ही ना हो, तो अगर पहला पद ए है, पहला पद ए है तो दूसरा क्या होगा, ए गुणे आर, क्या होगा, ए गुणे आर, तीसरा क्या होगा, ए गुणे आर गुणे आर, ए गुणे आर गुणे आर, नहीं चौथा क्या होगा, ए गुड़े आर गुड़े आर गुड़े आर, यानी कि हर बार ए आर क्या हो जाएगा, बढ़ेगा, समझ रहे हो अपना। जैसे यहां पे ए है ए गुड़े आर, यहां पे क्या है, ए गुड़े आर गुड़े आर, क्यों, क्योंकि ए दो है, ए का मान दो है और आर का मान दो, आर का मान दो, यानी कि हर एक टर्म में आर क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। इसे हम ऐसे कह सकते हैं, ए का मान ए आर का स्क्वायर, ए आर का क्यू, डॉट 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 आगे बढ़ने लगा, ऐसे समझ रहे हो ना। ये हमारा मेन फॉर्म हो गया गुणोत्तर श्रेणी का, ए ए आर का स्क्वायर, ए आर क्यू, ए आर पे फोर, ए आर पे फाइव, ए आर पे सिक्स, ऐसे आगे बढ़ेगा। ये गुणोत्तर श्रेणी आपको समझ में आ रही होगी कि प्रत्येक पद में आर का गुणा हो रहा है, यहां पे पहले वाले को छोड़कर प्रत्येक पद में क्या हो रहा है, आर का गुणा हो रहा है, तो गुणोत्तर श्रेणी है, क्योंकि जो भी गुणा हो रहा है वह सब में हो रहा है, इनमें भी आर का गुणा हुआ है तब ए आर मिला है, इनमें भी आर का गुणा हुआ है तो ए आर का स्क्वायर मिला है, इनमें भी ए आर का गुणा हुआ, सॉरी इसमें भी आर का गुणा हुआ है, ए आर का क्यू मिला है, फिर आगे ऐसे मिलता जाएगा आपको। तो देखा ना, एक कांस्टेंट यहाँ पे, वो कांस्टेंट आर है, वो अचर पद आर है जिसका मल्टीप्लाई हम करते जा रहे हैं करते जा रहे हैं, उसके बाद हमको ये मिलता जा रहा है, ठीक है ना। चलो आ जाओ, हमने कहा पहला पद पी वन बराबर, पहला पद है ए हो गया, दूसरा पद टी टू बराबर ए आर हो गया, तीसरा पद ए आर का स्क्वायर हो गया, समझ रहे हो क्या हो रहा है। चलो आ जाओ यहां थोड़ा आ जाओ, चौथा पद क्या हो जाएगा, ए आर का क्यूब हो गया, यहां से पहला पद ए, दूसरा ए आर, तीसरा ए आर का स्क्वायर, चौथा ए आर का क्यूब, नहीं तो क्या देख रहे हो आप, देख रहे हो जब यहां पे वन था, जब यहां पे वन था तो यहां पे आर की घात जीरो थी, आर की घात क्या थी, जीरो थी। जब यहां पे टू आ गया तो आर की घात क्या हो गई, वन आ गई, क्यों, क्योंकि टू माइनस वन किया गया होगा। जब यहां पे तीन था तो आर की घात दो आई, क्योंकि तीन माइनस एक किया गया। जब यहां पे चार था तो यहां पे तीन हुआ, क्योंकि आर की घात चार माइनस तीन किया गया, चार माइनस एक किया गया होगा। तो देख रहे हो कि हर एक जो मैं पद पूछ रहा हूं, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, तो आर के फार्म में जो आर की घात है ना, वो हमेशा इनके पदों से एक कम हो जा रही है। ए तो वही है, ए हर जगह वही है, लेकिन आर क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है। तो अगर मैं कहूं यनवा पद बताओ गुणोत्तर श्रेणी का, तो ए तो वही रहेगा और घात आर की एन से एक कम हो जाएगी। ये होता है हमारे गुणोत्तर श्रेणी का यनवा पद, इसे हम व्यापक पद भी कहेंगे गुणोत्तर श्रेणी में, व्यापक पद या फिर एन टर्म यनवा पद, ठीक है ना, गुणोत्तर श्रेणी का यनवा पद ऐसे निकलेगा। समझ आया ना आपको, गुणोत्तर श्रेणी का यनवा पद ऐसे निकलेगा जैसे हमने यहां निकाला है। अब एक बात और आपको क्लियर कर दूं, यहीं पे ही देखो जरा, चलो कल्पना करते थोड़ी देर के लिए, समांतर में आपने टेंथ में पढ़ा था तो हमने ज्यादा समय नहीं दिया था, लेकिन यहां पर तो समय देना पड़ेगा क्योंकि टेंथ में था नहीं आपके। चलो देखो, मान लो ए कामा ए आर का क्यू, ए आर का स्क्वायर,
कोई गोत्र श्रेणी हमारी है, देख रहे हो इसमें तीन पद है। कितने पद इसमें है? तीन पद। तो मैं कहता हूं कि अंतिम पद बताओ, अंतिम पद यल बताओ, अंतिम पद यल बताओ। तो कहोगे सर दिख रहा है यार का स्क्वायर नहीं, जब टोटल तीन थे, जब तीन लोग थे तो अंतिम पद यार का स्क्वायर। मान लो मैंने कहा एक पद और बढ़ा लो, चार पद कर लो ए आर का क्यू, तो अंतिम पद क्या हो जाएगा? ए आर का क्यू। ये देखो जब तीन पद थे तो ए आर का स्क्वायर, जब चार पद हुआ तो ए आर का क्यू। अब मान लो अब क्या हो रहा है, तीन पद थे तो घात में एक घटा, चार पद थे तो घात में एक घटा। मैं कहूं अगर एन पद हो गए तब क्या करोगे? एन बराबर ए आर पे, यह भी एक घटा लेगा अपना ए आर पे एन माइनस वन। यह नोट करिएगा कि अंतिम पद यनवा पद भी यही होता है और अंतिम पद भी यही होता है। देखा ना आपने, तीन था तो यह स्क्वायर हुआ तीन पदों के लिए अंतिम पद, चार पदों के लिए अंतिम पद यार का क्यूब हुआ। तो मान लो एन पद हो गया तो अंतिम पद एल बराबर ए आर के घात एन माइनस वन होता है, यानी कि यही यनवा पद का फार्मूला है, यही अंतिम पद का भी फार्मूला है। देखा, तो ये अभी नोट करिएगा यनवा पद का फार्मूला और अंतिम पद का फार्मूला नोट करिएगा। तो इसको आप समझ में आपको आ गया ना, सर्वानुपात आर होता है, प्रथम पद ए से रिप्रेजेंट करते हैं, यनवा पद ए आर पे एन माइनस वन होता है, जहां पे एन क्या है? पदों की संख्या, पदों की संख्या, और आर क्या है? सर्वानुपात, सर्वानुपात, और ए क्या है? प्रथम पद। इसे तो आपको समझ में आ ही रहा होगा, यहां अभी वही हाल है। तो एक निश्चित अनुपात के रूप में आगे बढ़ता है। सर्वानुपात निकालने का तरीका पता चला ना, पहले पिछला वाला फिर बटे अगला वाला, तो सर्वानुपात वो बताएगा। कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं नई जानकारी होती है तो इसको बटे ए कर देते, वैसे नहीं करना हमको, पीछे से आगे वाला लेके आना, ठीक है ना। तो इसको इरेज करते हैं, चलते हैं, देखते हैं कि समांतर श्रेणी के एन पदों का योग क्या होता है। ये तो हो गया समांतर श्रेणी का एनवा पद अंतिम पद, अब योग के चलते हैं, क्या होता है योग इसका। तो देखिए स्टूडेंट, हमारा अगला टॉपिक है गोत्र श्रेणी के एन पदों का योग ज्ञात करना। इसके पहले हम आपको एक बात और बता दें कि गोत्र श्रेणी में क्या क्या हो सकता है कि श्रेणी नहीं बदलेगी। मैं गोत्र श्रेणी मान लो दो चार, टू टू जा फोर, टू जा एट, टू जा सिक्सटीन और 32 हो सकता है, ऐसे ना एक गोत्र श्रेणी है, हर पद में दो गुणा हो रहा है। तो अब मैं आपको बता दूं कि अगर इसमें प्रत्येक पद में किसी कांस्टेंट, किसी अचर पद का गुणा या भाग करोगे ना, तब भी श्रेणी गुणोत्तरी बनी रहेगी। किसी पद का गुणा या भाग, किसी अचर पद से अगर इसके प्रत्येक पद में गुणा या भाग करोगे तो यह श्रेणी वही बनी रहेगी, ठीक है ना। और दूसरी टॉपिक इसी क्या है कि मान लो दो गुणोत्तर श्रेणियां आपके पास हैं, दो गुणोत्तर श्रेणियां, एक मान लो ऐसे भी हो जाए, थ्री हो जाए थ्री, टू जा सिक्स, टू जा ट्वेल्व, टू जा ट्वेंटी फोर, टू जा फोर्टी एट, ठीक है ना। यह भी एक गुणोत्तर श्रेणी है, अगर इन दोनों को गुणा कर दोगे ना, गुणा कर दोगे तो जो श्रेणी हमको मिलेगी वो अभी क्या होगी? जीपी होगी, वो अभी गुणोत्तर श्रेणी होगी, ठीक है ना। और इनका व्युत्क्रम, इनका व्युत्क्रम भी है ना, इनका व्युत्क्रम यानी कि 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, ये अभी क्या होता है? गुणोत्तर श्रेणी होता है। तो दो गुणोत्तर श्रेणियों को गुणा करोगे तो जो प्राप्त श्रेणी होगी नई वाली, वह अभी गुणोत्तर श्रेणी होगी। इसके प्रत्येक पद में किसी से गुणा या भाग करोगे तब भी जो प्राप्त श्रेणी होगी नई वाली, वो अभी गुणोत्तर होगी। और इनका व्युत्क्रम, प्रत्येक पद का व्युत्क्रम अगर कर दोगे तब भी जो श्रेणी प्राप्त होगी नई वाली, वो अभी क्या होगी? गुणोत्तर होगी। चलो थोड़ा सा चर्चा करते हैं, आपको मैं बता दूं थोड़ा सा एक बात। देखो यह मान लो ए टू है, यह टू इंटू टू पे वन होगा, यह टू इंटू टू पे टू होगा, यह टू इंटू टू पे थ्री होगा, टू इंटू टू पे फोर होगा, ठीक है ना, ऐसे ही कुछ होगा। यहां पे आगे बढ़ा लो 64 और बढ़ा लो 128 और आगे जाओगे तो 256 आ जाएगा ऐसे। तो अगर हम एक बात करें आपसे कि यहां पे देखो यह ए का काम कर रहा है, ए का, और यह किसका काम कर रहा है? आर का काम कर रहा है। एक इसमें ए का काम कर रहा है और एक आर का काम कर रहा है। तो आगे से अगर देखा जाए, आगे से, तो
यहाँ पे क्या हो रहा है कि प्रत्येक जो आर की घात है बढ़ती जा रही है। अगर हम आगे से बात करें तो आर यानी कि जो सर्वानुपात है उसका घात क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। यहां पे कुछ नहीं रहा होगा तो 2 पावर 0 रहा होगा। देखो घात बढ़ रही है, आर की घात लगातार क्या हो रही है, बढ़ रही है। लेकिन अगर पीछे से आया जाए तो, अगर पीछे से आया जाए तो आर की घात क्या हो रही है, घट रही है। आगे से इंक्रीज कर रही है, आगे से आर की घात इंक्रीज कर रही है और पीछे से आर की घात क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। एक एक आगे इंक्रीज कर रही है और पीछे के क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। चलो आ जाओ, अब हम कहते हैं कि गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योग निकालना है। देखो जरा Sm सम ऑफ n टर्म्स, तो गुणोत्तर श्रेणी का मेन वाला फॉर्म कहोगे सर ए प्लस ए आर प्लस ए आर का स्क्वायर प्लस ए आर का क्यू प्लस डॉट डॉट डॉट। आ जाओ लास्ट वाला टर्म क्या होता है, एल बराबर कहोगे सर ए आर पे एल माइनस वन, घात घट जाती है पदों के हिसाब से लास्ट वाले में, बताया हूं अभी किसी जाके देख सकते हो। इसके पीछे अभी फिर मैंने बताया आगे से आर की घात एक एक बढ़ती है और पीछे से आर की घात एक एक घटती है, तो ए आर पे एन माइनस वन था ही, एक और घट जाएगा यानी कि ए आर पे एन माइनस टू हो जाएगा। इतना है समीकरण नंबर 1। अच्छा मैंने कहा कि दोनों पक्षों में आर से गुणा कर दो तो क्या हो जाएगा, कहोगे सर आर एस एन ए आर, हर टर्म में गुणा करना पड़ेगा आर का, ए आर का स्क्वायर प्लस ए आर का क्यू प्लस ए आर पे 4 डॉट डॉट डॉट। यहां पे गुणा करोगे ए आर का तो कितना पाओगे, देखो अब ए आर पे एन माइनस टू गुणे आर, गुणा में घात जुट जाता है तो जाएगा ए आर पे एन माइनस टू प्लस वन यानी कि ए आर पे एन माइनस वन। इसी प्रकार यहां कितना पाओगे, ए आर पे एन पा जाओगे। समीकरण नंबर 2 गुणा करके देख लो, मैंने कहा 1 माइनस 2 से ठीक है तो हो जाएगा एस एन माइनस आर एस एन, आ जाओ इज इक्वल टू, कहोगे सर अब क्या होगा, देखो जरा आप क्या देख रहे हो, यहां प्लस था सबको घटाना है, सब घट जाएंगे, ऐसे सब घट जाएंगे, जो भी होगा सब घट जाएगा। खासियत देख रहे हो, ए आर से ए आर खत्म, ए आर स्क्वायर से आर स्क्वायर खत्म, ए आर क्यूब से आर क्यूब खत्म, आगे 4 मिलता इनको खत्म कर देता, आगे मिलता इनको खत्म कर देता, यह वाला इनको खत्म कर दिया, दो लोग बचे केवल, एक ए बचा और एक माइनस का क्या बचा, ए आर पे एन बचा, बस हो गया। यहां पे एस एन कॉमन हो गया, 1 माइनस आर इज इक्वल टू ए 1 माइनस आर पे एन, ये हो गया एस एन इज इक्वल टू ए 1 माइनस आर पावर एन 1 माइनस आर, ये हमारा हो गया गुणोत्तर श्रेणी में एन पदों का योगफल। देखा ना, तो आपने क्या देखा कि ये प्लस का है माइनस का, घटा तो रहे ही है, इनको घटा दिया, घट गए, बचे दो लोग केवल ए और ए, लिख दिया ला करके। यह केस कब है स्टूडेंट, 1 माइनस आर जब आर का मान छोटा है 1 से, जब आर का मान छोटा है 1 से, यानी कि आर 1 से छोटा होगा तो घटा पाओगे, लेकिन मान लो जब आर का मान 1 से बड़ा हो जाए तब तो नहीं घट पाएगा, मुश्किल हो जाएगा ना, तो क्या करेंगे स्टूडेंट, देखो जरा एस एन इज इक्वल टू ऊपर नीचे माइनस से गुणा कर दोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आर पे एन माइनस वन, ये हो जाएगा आर माइनस वन, दोनों फार्मूले हमारे हैं। जब सर्वानुपात आर का मान 1 से कम होगा तब यह फार्मूला अप्लाई करेंगे और जब आर का मान 1 से बड़ा होगा तो यह फार्मूला अप्लाई करेंगे। कैसे मिला, दोनों पक्ष ऊपर नीचे माइनस का गुणा करने पर, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो ए हो गया ए और ये हो गया आर पे एन माइनस वन और ये हो गया आर माइनस वन, ये दो फार्मूले हमारे हो गए एन पदों के योगफल के, दो केस में जब आर का मान 1 से छोटा होगा और जब आर का मान 1 से बड़ा होगा। चलो ठीक है, आज इनको तोड़ते हैं थोड़ा सा, एस एन इज इक्वल टू ये हो गया ए आर पे एन माइनस ए अपान आर माइनस वन, अंदर गुणा कर दिया
अब इनको ऐसे लिख सकते हैं, ए आर पे एन माइनस वन इन टू आर लिख सकते हैं ना, गुणा करोगे तो फिर वही तो पा जाओगे माइनस ए अपान आर माइनस वन। और यह क्या है स्टूडेंट, यह अंतिम पद यल है, यल आर माइनस ए अपान आर माइनस वन। अंतिम पद अगर आपको पता रहे, सर्वानुपात पता रहे, प्रथम पद पता रहे, तब भी यन पदों का योगफल गुणोत्तर श्रेणी में बहुत आराम से निकाल सकते हो। कितना आसान है क्यों? अब हमने तीन फार्मूले निकाल लिए, एक आर से जब आर का मान एक से छोटा होगा, एक आर का मान जब एक से बड़ा होगा, और एक स्टूडेंट जब हमको यल पता होगा तब की बात कर दिए। यही फार्मूला आप लगाइएगा, ठीक है ना। यहां भी लगा सकते हो जब आर का मान छोटा होगा, तो दोनों जगह लग सकता है, ठीक है ना। तो इनको तोड़ना पड़ेगा आपको, इनको तोड़ लोगे तो कितना आ जाएगा, एस एन इज इक्वल टू ए माइनस ए आर पे एन अपान वन माइनस आर। इनको हम ऐसे ले सकते हैं, वन माइनस ए आर पे एन माइनस वन इन टू एन अपान आर वन माइनस आर। ये हो जाएगा वन माइनस अंतिम पद एल ए आर होगा ना, आर होगा आर अपान वन माइनस आर, दोनों निकल गया। तो अंतिम पद के रूप में भी हमने फार्मूले को निकाल लिया, अगर अंतिम पद दिया रहेगा तब भी काम कर सकते हैं। तो ये हो गया गुणोत्तर श्रेणी के यन पदों का योगफल, तीन चार फार्मूले आपके पास हैं, लेकिन आप ऑफिसर कैसे याद करेंगे, तो याद करने वाली कोई बात ही नहीं है स्टूडेंट, आपको बस यही याद करना है, बस फार्मूला प्रूव करने आपको आते हैं। सोच लोगे तब भी हो जाएगा, सोच लोगे ना कि तब भी हो जाएगा, ये दो लोग बसते हैं, इधर आता है वन माइनस आर कॉमन होता है, नीचे आता है, बस याद हो गया। तो ये फार्मूले अभी अप्लाई भी करेंगे एक्सरसाइज में, चलते हैं इसकी अगली टॉपिक पर, इनको यश करें। जो भी बात आपको समझ में नहीं आई होगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि सारे लैंग्वेज आपको समझ में आए हैं, सब आसानी से हो रहा है। तो अब चलते हैं अगली टॉपिक पर, इनको मिटाते हैं। तो स्टूडेंट आ जाइए, अब हमारी टॉपिक है गुणोत्तर माध्य, ज्योमेट्रिक मीन। समांतर माध्य के बारे में आपको पता होगा, गुणोत्तर माध्य भी वही होता है क्या। यदि गुणोत्तर श्रेणी में तीन पद हैं, मान लो कोई गुणोत्तर श्रेणी है टू फोर एट, सिक्स नत लिख देना गलत हो जाएगा, टू का मल्टीप्लाई हो रहा है। यदि गुणोत्तर श्रेणी में तीन पद है तो मध्य पद प्रथम व तृतीय पद का गुणोत्तर माध्य कहलाता है। तीन पद है तो जो मध्य होता है ना, प्रथम व तृतीय का क्या कहलाता है, गुणोत्तर माध्य कहलाता है। चलो ठीक है, इनको बढ़िया से लिखते हैं। मान लो हमारे पास ए और बी कोई दो पद है, बीच में जी है, तो ए और अगर ये गुणोत्तर श्रेणी है तो जो जी है ना, ए और बी का क्या कहलाता है, गुणोत्तर माध्य कहलाता है। और अगर गुणोत्तर श्रेणी है तो ऐसे लिख सकते हो, सर्वानुपात के संबंध में क्या लिख सकते हो कि सर्वानुपात इन दोनों का, इन दोनों का बराबर होगा, यानी कि जी बाई ए इज इक्वल टू बी बाई जी, बी बाई जी बराबर होना चाहिए। जैसे यहां पे 4 बाई टू इज इक्वल टू 8 बाई फोर, टू बराबर टू आया ना, उसी प्रकार यहां गुणा कर लोगे जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी, जी बराबर क्या हो जाएगा, रूट में ए बी। और उसमें ए बराबर क्या था, अरिथमेटिक मीन था उसमें ना, ऐसे था ए प्लस बी बाई टू, लेकिन ये क्या है, जी बराबर रूट में ए बी। ये तो हो गया तीन पदों के लिए। चूंकि इस वीडियो में हम आपको खाली कॉन्सेप्ट बताने वाले हैं, तो अब आपको थोड़ा सा और बता दें, जो समांतर वाले में हमने छोड़ दिया था, क्योंकि बहुत अप्लीकेबल नहीं, बहुत यूजफुल नहीं होता, इसीलिए मैंने उसको छोड़ दिया था। यहां भी यूजफुल नहीं है, बट आपको बता दें आपकी जानकारी के लिए कि जी का मान तो ऐसे निकाल ही लोगे। मान लो बाई दबे ऐसे आ गए, ए और बी मान लो कोई दो पद हैं और इनके बीच में यन गुणोत्तर माध्य आ गए, जी वन जी टू जी थ्री जी फोर जी फाइव डॉट 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 जी एन, यन ये भी गुणोत्तर माध्य इनके हैं। ए और बी के बीच ना अगर ये गुणोत्तर में है, अगर ये जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, तो जो ये यन पद बीच में आए ना, ए और बी के गुणोत्तर माध्य कहलाते हैं। यन पद लाए हैं हमने यहां पे, तो अब बात आती है कि जी वन जी टू जी थ्री जी फोर जी फाइव का मान निकाला कैसे जाए, बड़ी दिक्कत है। कोई बात नहीं स्टूडेंट आ जाओ, अच्छा बताओ ये टोटल टर्म कितने हैं, टोटल पद कितने हैं,
दिख रहा है ना, यन तो यही हो गए और एक और एक ए और एक ए दो पद ही हो गए, यानी कि यन प्लस टू पद है, टोटल एन प्लस टू पद है ना। और अगर मैं कहूं कि यन प्लस टूवा पद क्या है, यन प्लस टूवा पद क्या है, तो कहोगे सर बी है। अरे भाई यन प्लस टू यानी कि लास्टवा, मान लो हमने कहा कि मान लो रैंडमली अभी कुछ नहीं उठाया मैंने, मैंने कहा ए बी सी डी ई, ये मैंने कहा ए और ई के बीच तीन लोग मैंने लाया, ए और ई के बीच में हमने तीन लोगों को लाया, ठीक है ना। तो मैंने कहा कि तीन प्लस दो वहां पद बताओ, तीन ए और दो ए, तो तीन नंदोवा पद बताओ, पांचवा पद हो गया, पांचवा पद ही है। उसी प्रकार यहां पे यन था तो यन प्लस दोवा पद क्या हो गया, बी हो गया। चल अब हमने यनवा पद का फॉर्मूला पढ़ा है कि क्या होता है, ए एन इज इक्वल टू ए आर पे एन माइनस वन, यन था तो यन था, अब यहां पे जाएगा ए आर, पहला पद तो ये है ही, एन प्लस टू माइनस वन इज इक्वल टू बी हो जाएगा, यन था तो यन था, एन प्लस टू हो तो एन प्लस टू हो जाएगा, क्या दिक्कत है। ये हो जाएगा ए आर पे एन प्लस वन इज इक्वल टू बी हो जाएगा, नहीं अब आर का मान क्या हो जाएगा, बी अपान ए, यहां पे भी घात एन प्लस वन लगा है, और आपको अगर पता होगा तो हम इसको लिख सकते हैं, अगर घात उधर जाएगा हो जाएगा वन अपान एन प्लस वन, आर का मान निकल गया क्यों। अब हम जीवन निकाल सकते हैं, जीवन को स्टूडेंट हम कंपेयर कर सकते हैं, जीवन क्योंकि ग्रोथर श्रेणी में है तो जीवन को हम कंपेयर कर सकते हैं ए आर से, ए ए आर ए आर स्क्वायर या ए आर हो गया, ए तो यही है, आर का मान रख दो तो हो जाएगा बी बाई ए पे पावर वन अपान एन प्लस वन, ठीक है ना। मान लो जी हमने कहा कि ए लिख दो, जी टू लिख दो, जी टू निकालना है तो जी टू कंपेयर किसे करना पड़ेगा, ए आर स्क्वायर से, ए तो यही रहेगा, आर का मान यहां से ले लो वन अपान, अरे बी अपान ए पे पावर वन अपान एन प्लस वन, ठीक है ना। और आर का क्योंकि स्क्वायर है, आर का क्या है स्टूडेंट यहां पे देखिएगा जरा, आर का स्क्वायर है तो आर का स्क्वायर जब है ए, इनको ऐसे लिख लो आप, आर तो यही है, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, बी अपान ए पी पावर टू अपान एन प्लस वन, इसका स्क्वायर टोटल का, यहां गुणा हो जाएगा दो का। इसी प्रकार मान लो जी थ्री पूछ लिया जाए ए आर पे क्यू, तो यहां पे हो जाएगा ए इंटू बी अपान ए पे पावर थ्री बाई एन प्लस वन, क्यू हो गया, तो तीन का गुणा करना पड़ा, तीन हो गया यहां पे। इसी प्रकार मान लो हम एन कह दे जी एन आ जाए तो ए आर पे हो जाएगा एन माइनस वन, नहीं सॉरी यहां पे देखिएगा थोड़ा सा यहां पे आ जाओ, जीवन है तो ए आर, थोड़ा यहां से आप देखिएगा, जीवन है तो ए आर है, जी टू है तो ए आर का स्क्वायर है, जी थ्री है तो ए आर का क्यूब है, जी फोर तो जी मतलब कि कुछ चेंज नहीं हो रहा, तो जी एन का क्या हो जाएगा, ए आर की पावर एन हो जाएगा इज इक्वल टू ए, और ये हो जाएगा आर का मान रखोगे तो एन अपान एन प्लस वन, ये हो गया हमारे समांतर माध्य का यनवा वाला पद, ठीक है ना। ध्यान दीजिए क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि हमने जीवन यहां से स्टार्ट किया है, आई बात समझ में ना। तो अगर समांतर माध्य हमको कितना भी निकालने के लिए दे देगा तो जीवन का हमको फॉर्मूला पता चल गया कि ए आर एन यानी कि आर का मान यहां से रख लिया ला करके, तो हो गया ए इंटू बी अपान ए एन अपान एन प्लस वन, यही से सब मतलब कि हम हर एक टर्म पिछले वाले की सहायता से निकाल रहे हैं, लेकिन यहीं पे थोड़ा सा सोचना है, और आपको बताते चले कि इसका यूज हम प्रश्न में कहीं करेंगे नहीं, जब आवश्यकता पड़ेगी तो हम कुछ और लगा लेंगे, लेकिन इसका यूज हम बेहद नॉर्मल तरीके से हो सकता है करें, ठीक है ना। लेकिन हम प्रयास करेंगे कि आपके क्वेश्चन में कहीं कहीं उपयोगी हो जाए, ये आपकी सोचने के लिए है कि जब अपर क्लास में आप जाओगे तो आपको यहाँ पे कैसे ट्रीट करना है। तो कई स्टूडेंट यहाँ पे जैसे हुआ था ना एन माइनस वन लिख दिया था ना, जब ये लगातार ऐसे ही आता जा रहा है तो क्या होगा, उसी की तरह अभी हो जाएगा,
अब एक हाथ है, टू था तो टू लग गया, तीन था तो तीन लग गया, चार था तो चार लग गया, वो तो आर की घात के ऊपर है। मतलब कि स्क्वायर करने का मतलब क्या, आर का स्क्वायर कर दोगे जब तो घात का घात में गुणा हो जाता है, तो घात का घात में गुणा कर दिया जाता है, तभी यहाँ पे टू हुआ, तीन था तो तीन हुआ, चार था तो चार, यन था तो यन हो गया बस। अब कोई अब जीवन निकालना है तो वन का मान रखो वन वन वन, टू निकालना है तो टू टू टू, थ्री निकालना है थ्री थ्री थ्री, अब कोई पर निकाल सकते, ये हो गया जनरल टर्म। जनरल टर्म फॉर जियोमेट्रिक मीन, कब, जब जीवन जी टू जी थ्री यहां से मान के चले हो तब के लिए है, ऐसे ही मानना क्वेश्चन में। कई टीचर्स ऐसे होते हैं कि जो जीवन यहां से मानना शुरू कर देते हैं, ठीक है ना, तो वहां पे बदल जाएगा तो आपको परेशानी हो सकती है वहां पे, लेकिन ऐसे ही मान के चलना जैसे फार्मूला प्रूव किए हुआ ऐसे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हम देखते हैं एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर पहला। तो आपने सारे फार्मूले को अभी अभी देखा, सब आपके दिमाग में सेट हो गया है, तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर पहला की ओर और हमको कंफर्म भी हो जाएगा कि हमने कितना सीखा अभी तक। चलिए आइए, कह रहा है गुणोत्तर श्रेणी 5/2 कमा 5/4 कमा 5/8 का 20वां पद तथा nवां पद याद करो। गुणोत्तर श्रेणी कुछ इस प्रकार है, अभी हम आराम से चल रहे हैं लेकिन थोड़ी देर में अपनी स्पीड बढ़ाएंगे। का प्रथम पद a इज इक्वल टू 5/2 सार्वनुपात r इज इक्वल टू सेकेंड अपान फर्स्ट, यानी कि 5/4 अपान 5/2, ए ऐसे इकट जाएगा 2/4 1/2, वैसे भी दिख रहा है कि 1/2 का मल्टीप्लाई होकर चल रहा है। आर का मान आ गया तो कह रहा है 20वां पद बताओ a20, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, nवां पद का फॉर्मूला क्या होता है, an इज इक्वल टू ए आर पे एन माइनस वन, ठीक है ना, तो 20वां पद क्या हो जाएगा ए आर पे 20-1, जहां पे एन वहां पे 20 आ जाएगा, ए आर पे 90, ए की वैल्यू स्टूडेंट 5/2, आर की वैल्यू 1/2 पे क्या 20, ऐसे हो सकता है 5/2 मल्टीप्लाई बाई 1 पे पावर 20, 2 पे पावर 20, 19 है ना, 19 रहेगा स्टूडेंट, ठीक है। अब देखो 1 पे पावर कुछ भी रहे 1 ही आता है, और इनका मल्टीप्लाई में बेस इक्वल है, मल्टीप्लाई ऐसे होता है तो घात जुट जाएगा 19 20, यानी कि 2 पावर 20, ठीक है ना, ये हो गया 20वां पद। दूसरा इसी में कह रहा है आप nवां पद बताओ, an इज इक्वल टू हमने पढ़ा ए आर पे एन माइनस वन, ए की वैल्यू 5/2, आर की वैल्यू 1/2 पे पावर एन माइनस वन, इनको तोड़ोगे तो 5/2 1 पे पावर n-1 2 पे पावर n-1, एक की घात कुछ भी हो, एक की घात कुछ भी हो एक ही आएगा हमेशा, ये हो गया 5, और यहां पे देखो बेस समान है तो घात क्या हो जाएगा जुट जाएगा, ये हो जाएगा स्टूडेंट 5/a1 कैंसिल 2 पे पावर n। क्वेश्चन नंबर पहला देखा हमने, फार्मूले को देख लिया है, बस सॉल्व करना था मैथमेटिकली। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर, इनको आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आप पुश करके नोट कर लो, चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो स्टूडेंट, उस गुणोत्तर श्रेणी का 12वां पद ज्ञात करो। कोई गुणोत्तर श्रेणी है उसका 12वां पद ए बार है, यानी कि ए आर पे 12-1, यानी कि ए आर 11 है। फार्मूले के तौर पर आपको यह नवा पद पता होना चाहिए, ए आर पे एन माइनस वन किसी गुणोत्तर श्रेणी के लिए, जिसका 8वां पद 192, 8वां पद दिया है, गिवन क्या है आपको 8वां पद ए 8 इज इक्वल टू क्या होता है ए आर पे 7 दिया है, इसका वैल्यू है आपका बच्चों 192, ठीक है ना, ये हमको इक्वेशन दे दिया है। सारणपात 2 है, आर का मान भी 2 दे दिया है, कोई बात नहीं, ए का मान निकाल लेंगे, आर का मान यहां पुट करो आप, हो जाएगा ए 2 पे पावर 7 इज इक्वल टू 192,
अब ए हो जाएगा ए इक्वल टू 192/2। ए की वैल्यू निकल गई और आर की वैल्यू यहां तो है ही। अब आर का मान हो गया, ए का मान हो गया, अब निकाल सकते तो ए बार है, इसलिए कहोगे ए बार है इक्वल टू कितना है, ए आर पे 11 है, ए की वैल्यू 192/2 और आर की वैल्यू 2/11। ऊपर जाएगा तो चूंकि बेस समान है तो माइनस ऊपर जाएगा होगा 192, बचेगा 2/4, 192 16 16 2 32 के 2 हाँ शिव 3 16 9 144 147 16 9 16 14 30। ये हमारा होता है क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर। तो क्या किया, 8 की वैल्यू दी थी, आर की वैल्यू दी, ए का मान निकाल लिया, यहाँ पे रख दिया, 30/72 आता है आंसर अपना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, किसी गुणोत्तर श्रेणी का 5वां 8वां तथा 11वां पद क्रमशः पी क्यू और एस है, तो दिखाओ कि क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस। बहुत बड़ी बात नहीं, देखो आप दिया है 5वां पद, यहां पे लिख लो गिवन 5वां पद यानी कि ए आर पे 4। मान लेते हैं स्टूडेंट, माना जो गुणोत्तर श्रेणी है, गुणोत्तर श्रेणी का पहला पद ए तथा सार्व अनुपात आर है, तब ऐसे हम हर क्वेश्चन में करेंगे, हो सकता है लिखे ना, तो आप परेशान मत होइएगा, ये आप जरूर नोट करिएगा। दिया है इज इक्वल टू पी, समीकरण नंबर 1, और 8वां दिया है यानी कि ए आर पे 7, दिया है क्यू, और 11वां यानी कि ए आर पे 10 इक्वल टू दिया है एस, ठीक है ना। समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 3, सबसे आसान तरीका इन्हीं को पकड़ के दोनों पक्ष प्रूफ कर दो लाके, ठीक है ना। हम कहेंगे प्रूफ क्या करना है, प्रूफ दैट क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस। हम कहेंगे पुटिंग द वैल्यू, पुटिंग द वैल्यू फ्रॉम 1, 2 एंड 3, तो क्यू की वैल्यू कितनी है, ए आर पे 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू, पी की वैल्यू ए आर पे 4, और एस की वैल्यू यहां से ए आर पे 10, ए स्क्वायर आर पे 14 इज इक्वल टू ए स्क्वायर आर पे 14। आपकी मर्जी क्या करते हो प्रूफ करने के लिए, या तो इन्हीं को लाके दिखा दो बराबर तो ही गया, या फिर इनके सहायता से पूरा पकड़ के ले आओ, वो काफी सोचने वाला होता है, तो आपकी मर्जी, जहां तक आप पकड़ पाते हो वहां तक करो, सबसे आसान हमको यही लगता है, ठीक है ना, आपको भी आसान लग ही रहा होगा, तो ये भी हल हो गया, प्रूफ हो गया हमारा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो अपना अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, फोर्थ नंबर, किसी गुणोत्तर श्रेणी का 4था पद उसके दूसरे पद का वर्ग है, जो 4था पद है ना, पहले एक काम करो 4था पद निकाल लो, मान लो कि गुणोत्तर श्रेणी का आगे पढ़ लेते हैं, तथा प्रथम पद -3 है, प्रथम पद दे दिया है तो 7वां पद याद करो, प्रथम पद ए का मान दे दिया है -3, आर का मान नहीं पता है, ए 7 का मान पूछ रहा है, और एक कंडीशन दिया है, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि जो 4था पद है ना A4, वो दूसरे पद का वर्ग है, दूसरे पद का वर्ग है, 4था पद मतलब क्या, ए आर पे 3, और दूसरा पद मतलब क्या, ए आर का स्क्वायर, उसका वर्ग लगाना पड़ेगा ना। ये हो गया, ए का मान दिया है चूंकि ए इज इक्वल टू -3 आर का क्यूब इज इक्वल टू, ये हो जाएगा ए स्क्वायर आर स्क्वायर है ना, -3 आर स्क्वायर से खत्म, बचेगा केवल आर, और -3 का स्क्वायर आर इज इक्वल टू ये जाएगा +9/-3, आर का मान -3 आ गया, इसलिए हम कहेंगे ए 7 निकालना है, तो हम कहते हैं कि ए आर पे 6 हो जाएगा, ए की वैल्यू -3 आर की वैल्यू -3/6, -3 × y, ए करोगे तो आपका आ जाएगा -3/7, ठीक है ना, ये हमारा क्या होता है आंसर, क्योंकि गुड़ा है बेस समान हो जाएगा, घात टूट जाएगा 7 हो जाएगा, गुड़ा करने आपको आता है इसका साथ, तो गुड़ा कर लो उत्तर नेगेटिव में आएगा, तो
ये होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो करना क्या है, जो दिया है उसके अकॉर्डिंग इक्वेशन बनानी है, ए आर का मान ज्ञात करना है। ए आर का मान ज्ञात होते ही हमें यहां से काम करना शुरू कर देते हैं। इस सूत्र के हिसाब से मतलब हमने पढ़ा ना, ए एन इज इक्वल टू ए पे पावर एन माइनस वन, यहाँ पे एन तो यहाँ पे घट जाता है, तो यहाँ पे सात, यहाँ पे घट के छह हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो क्वेश्चन नंबर 5 है स्टूडेंट, अनुक्रम का कौन सा पद, अनुक्रम दिया है कौन सा पद 128 है, दिया है कौन सा पद 129 है, दिया है कौन सा पद फला है, ठीक है। तो ए को सॉल्व करते हैं, पहले क्या मिला, पहले ए का मान निकलो, ए का मान है 2, आर का मान तो कहोगे सर 2√2/2 यानी कि √2 आएगा आर का मान, गुणोत्तर है पता ही है, जीपी पढ़ रहे होगा। तो हम कहेंगे चूंकि हमने पढ़ा है यनवा पद बराबर ए आर पावर एन माइनस वन, तो यहां पे लिखना, मान लिया कि यनवा पद 128 लिख लेना वहां पे, तो यनवा पद हो गया 128, ए की वैल्यू 2, आर की वैल्यू √2 और यहां पे क्या हो जाएगा एन माइनस वन, ठीक है ना। इसको सॉल्व कर लोगे तो हो जाएगा स्टूडेंट 2 6 जा 2 4 जा, हो जाएगा ना। अब देखो जरा यहां पे हो जाएगा, आप इसको लिख सकते हैं 2 पे पावर 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32, यहां पे ऐसे 6 नहीं इज इक्वल टू √2 पे पावर एन माइनस वन। अब इनको सॉल्व कैसे करेंगे, पावर को सॉल्व करने के लिए हम एक अच्छा तरीका अपनाते हैं कि इनके बेस बेस को बराबर कर दें। इनको हम और क्या लिख सकते हैं, √2 का स्क्वायर और पूरा का पावर 6, √2 पावर एन माइनस वन, ठीक है ना। ये हो जाएगा √2 पावर 12 इज इक्वल टू √2 पावर n-1। अब बेस समान हो गया, काम खत्म हो गया, तुलना कर दो पावर की, एन माइनस वन इज्वल टू 12, एन इज्वल टू 13। 13वां पद, इस अनुक्रम का 13वां पद जो है ना वह कितना है 128 है। तो इस प्रकार जो वैल्यू दिया उसको पुट करना है, सीधे यहां पे मान रखना है। आ जाए इसका बी वाला क्वेश्चन देखते हैं, वही काम करना है इसीलिए पूरा नहीं मिटाएंगे। बी वाला क्वेश्चन, यहां पे ए का मान √3 है, मिटाना पड़ा ही, आर का मान 3/√3, इसको कह सकते हो √3 क्योंकि रूट मतलब 3 का मतलब √3 × √3 होता है, और √3 कट के फिर वही आ जाएगा, फिर वही फार्मूला। ये मान लो यनवा पद 729 है, ए का मान √3, आर का मान √3 का n-1 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका मतलब कितना, 3 पे पावर कितना हो जाएगा, 3 × 9 = 27 = 81 ये भी हो जाएगा, 3 पे 6 हो जाएगा इज इक्वल टू, यहां पे देखो जरा बेस इक्वल है, घात क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, रूट में 3 a1 + n-1 ये आ जाएगा स्टूडेंट, ऐसे आ जाओ, इसको भी रूट बना लेते हैं, रूट में 3 का स्क्वायर कर सकते हैं, टोटल पावर 6 है ही, इज इक्वल टू ये कट गया, रूट में 3 पे पावर n आ गया। आ जाओ यहां पे, इसका मतलब है कि ये घात घात पूरा हो जाएगा, √3 पावर 12 इज इक्वल टू √3 पावर n, पावर की तुलना कर दो, n का मान कितना आ जाएगा 12, यानी कि 12वां पद जो है वह 729 है। तो इस प्रकार यह भी क्लियर हो गया। अब चलते इसके थर्ड वाले पोर्शन पे, तो हम चलते हैं इसके पोर्शन नंबर सी पर। सी में कहोगे ए की वैल्यू 1/3 है, आर की वैल्यू यहां से निकाल लो 1/9 1/3 ये जाएगा 3/9, अभी आएगा 1/3। फिर हम कहेंगे चूंकि यनवा पद क्या है, ए एन इज इक्वल टू ए आर पावर एन माइनस वन होता है, यनवा पद मान लेते हैं यही है आपका 1/19683 इज इक्वल टू ए की वैल्यू 1/3, इसकी वैल्यू 1/3 पे पावर n-1, ओके। इनको सॉल्व करोगे तो 1/3 पे पावर 9 आ जाएगा इज इक्वल टू, देखो जरा बेस इक्वल है तो घात ऐड हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा स्टूडेंट, इसको हम लिख सकते हैं 1/3 पे पावर 9,
कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, फिर सॉल्व करोगे फिर वही आएगा, वन का पावर नाइन तो वन ही आएगा, थ्री पावर नाइन आ जाएगा, वन बाय थ्री पे पावर एन, ये तो कैंसिल, फिर बेस इक्वल हो गया, घातों की तुलना कर दो, यानी कि इस गुणोत्तर श्रेणी का जो यनवा पद है वह मतलब कि इसका यह जो है ना यह नौवां पद है, नौवां पद यही आएगा, साल हो गया। तो इस प्रकार फाइव समाप्त होता है। चलिए आते हैं सिक्स पर। सिक्स नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं यक्ष के किस मान के लिए संख्याएं माइनस टू बाई सेवन एक्स माइनस सेवन बाई टू गुणोत्तर श्रेणी में, तीन पद है, हमको पता होता है क्या, हमने पढ़ा है कि तीन पदों के लिए अगर ए जी और बी हो तो जी बराबर रूट में क्या होता है, ए बी होता है, पढ़ा है ना। अरे भाई जी बाई ए बराबर बी बाई जी तो यही से पाया गया था, तो मान लो यही एक्स है और ये ए का काम करेगा माइनस टू बाई सेवन और ये बी का काम करेगा माइनस सेवन बाई टू, ये कैंसिल माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सेवन सेवन टू टू, एक्स का मान कितना आएगा प्लस माइनस वन। ओके बहुत आसान है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन पर। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन से टेन तक क्या दिया गया है कि दिए गए पदों तक योगफल ज्ञात करना है। ठीक है कोई बात नहीं, योगफल को तो पता ना, फार्मूला मतलब कि पदों का योगफल वाला फार्मूला आपको लर्न होगा उम्मीद करते हैं। चलिए आ जाइए सेवन पे आते हैं। 0.15 0.015 जो आगे जा रहा है 20 पदों तक का योगफल बताना है, बहुत भयानक बात कर रहे हैं। तो हम कहेंगे प्रथम पद ए इज इक्वल टू कितना है 0.15 आर, सर्वानुपात आर क्या होएगा, ये वाला कहोगे सर इतना कर दो, ये वाला कहोगे सर इतना कर दो, तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट, तो आराम से करते हैं कोई दिक्कत नहीं है, 1000 का मल्टीप्लाई ऊपर कर दो नीचे कर दो, ये जगह 15/150। ठीक है अब भाग दे लो आराम से, क्योंकि पॉइंट में बच्चे बहुत ज्यादा गलती करते, हम करना नहीं चाहते। पॉइंट लग गया जीरो आ गया 150 0.1 सर बात कितना आएगा 0.1 आएगा। ठीक है आ जाओ हम जानते हैं अब यह क्या है अनुपात, यही आर है ना, क्योंकि आर छोटा है एक से, फार्मूला तो थोड़ा मोड़ा बदलता है ना, तो हम जानते हैं चूंकि एस एन बराबर ए वन माइनस आर पे एन पावर वन माइनस आर होता है जब आर का मान छोटा होता है एक से, तो दैट टाइम क्या हो जाएगा ए की वैल्यू 0.15 वन माइनस आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट, यहां से देखो 0.1 का पावर एन है ना, अब एन कितना पद तक जाना है 20, तो यू जान लो कि हम यस 20 निकाल रहे हैं 20 पद तक का योगफल, यहां पे 20 हो जाएगा अपान वन माइनस आर का वैल्यू 0.1, तो ए हो जाएगा 0.15 ये हो जाएगा 1 माइनस 0.20 अपान, इसको घटाओगे तो 1.010 है तो 0.90 आएगा, इन दोनों को सॉल्व कर लोगे तो 15/90 आ जाएगा 1 माइनस 0.1 पे पावर 20 ये हो जाएगा 1/6 1 माइनस 0.1 पे पावर 20 हमारा क्या होता है आंसर। ठीक है ना, तो क्या करना थोड़ा मोड़ा पॉइंट का ध्यान देना है आगे जो हो रहा है देख ही रहे हो। चलते हैं क्वेश्चन नंबर एट पर, थोड़ी स्पीड बढ़ाते हैं कैलकुलेशन ज्यादा है। दिया है ए का मान √7 आर का मान निकालना है तो √21/√7 इसको √3/√7 ले सकते हो, √7 एक कट जाएगा √3 आर का मान आ गया। एन पद बताना है उत्तर, एस एन इक्वल टू क्या पढ़ा है आपने, आपने पढ़ा है अब √3 है ना वन से ज्यादा है, अब आर की वैल्यू वन से ज्यादा है तो फार्मूला क्या हो जाएगा ए आर पे एन माइनस वन अपान वन अरे आर माइनस वन, तो क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी होती है लगभग 1.732 होती है ज्यादा होती है, ए की वैल्यू √7 आ गया, आर की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट हमारे पास आर की वैल्यू √3 आ गया, यन तो यन ही रह जाएगा माइनस वन अपान आर की वैल्यू कितनी √3-1। ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, या तो ई पे छोड़ दो या तो परमीकरण कर दो √3-1 ये हो जाएगा √7 ये हो जाएगा √3-1
ये हो जाएगा रूट थ्री पे पावर एन माइनस वन अपान, ये हो जाएगा थ्री स्क्वायर वाला फार्मूला। एक परिग्रहण कर रहे हो ना बच्चों, तो ये चिन्ह ऊपर नीचे चेंज हो जाएगा ना, माइनस का प्लस हो जाता है, ए प्लस हो जाएगा। अब देखो जरा ए माइनस बी, ए प्लस बी का फार्मूला लगा दिया, एक क्वेश्चन में ए का स्क्वायर यानी कि तीन हो जाएगा, माइनस एक दो हो जाएगा, यानी कि रूट सेवन बाई टू रूट में थ्री प्लस वन और रूट में थ्री पे पावर एन माइनस वन, हमारा क्या होता है आंसर। चलिए कैलकुलेशन थोड़ा ध्यान से करिएगा, बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर नाइन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नाइन कह रहे हैं वन माइनस ए, ए का स्क्वायर, ए का क्यूब, एन पदों तक, ठीक है ना। ए की वैल्यू प्रथम पद ही हो गया, आर की वैल्यू माइनस ए अपान वन माइनस ए आएगा, एन पदों का योगफल पूछ रहा है, कोई बात नहीं, हम कहेंगे यस एन इज इक्वल टू, अभी पता नहीं छोटा है कि बड़ा है, इस ए की वैल्यू पता नहीं छोटी है कि बड़ी है, हमें एजम्स नहीं कर सकते, तो अब हम क्या बोलेंगे, लेकिन बट ए माइनस में ऑटोमेटिक आर क्या हो गया, छोटा हो गया, एक से छोटा तो है ही इस समय, तो ए हो जाएगा ए वन माइनस आर पे एन वन माइनस आर, ए की वैल्यू ए हो गई, ए हो गया वन माइनस आर का मतलब माइनस ए पे पावर एन, और वन माइनस आर का मतलब माइनस ए, इसको सब सॉल्व करोगे ये हो जाएगा ए वन माइनस, ए माइनस यहां से बाहर निकालोगे, देखो जाएगा माइनस एक ए पे पावर एन, ऐसे है ए, ए तो लिखी सकते अलग अलग कर लो, माइनस वन पे पावर एन ए पे पावर एन, माइनस वन पे पावर एन ए पे पावर एन अपान वन प्लस क्या आ जाएगा ए, ए हमारा क्या होता है आंसर, ठीक है ना। आंसर वो चेक कर लेते हैं, तो आंसर तो सही है, हालांकि इन्होंने अलग नहीं करा है, अलग करने से कोई बड़ी बात नहीं होगी, तो आपका आंसर वही रहेगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर टेन पर। टेन में ए का मान दिया एक्स पावर थ्री, ठीक है ना, आर का मान निकालने जाओगे तो ए कहोगे ए बट ए करना पड़ेगा, एक्स पावर टू आएगा, ये तो ये होता ना एस एन इज इक्वल टू। अब आप सोच रहे हो सर ये क्यों दिया है, तो ये ऐसी चीजें हैं जो इनको फॉलो नहीं करती होंगी, तो उनको हटा दिया गया वहां से, ये हो जाएगा ए। अब यहां पे बात आती है स्टूडेंट कि ये बताओ एक से बड़ा है एक्स स्क्वायर की छोटा है, एक्स स्क्वायर है ना, ये हमको सोचना है कि एक से बड़ा है कि छोटा है, तो आ जाओ अच्छी बात सोच रहे हो, तो देखो जरा एक्स का मान एक ना तो एक है ना तो माइनस एक है, अगर दोनों ले लोगे तो एक के बराबर हो जाएगा, और अभी जान लो जब एक्स का मान एक के बराबर यानी कि ए सर्वानुपात के टर्म में ही आ रहा है, जब सर्वानुपात एक के बराबर हो गया तो फार्मूला जब लगाने जाओगे ना तो आपने पढ़ा ए वन माइनस आर पे पावर एन वन माइनस आर, ये अभी एक हो जाएगा, पूरा जीरो हो जाएगा योगफल, एक नहीं लाना है, तो यक्ष का मान जो है ना प्लस एक माइनस एक इसीलिए नहीं तुमको लेना है, क्योंकि अगर वह ले लोगे तो माइनस एक का स्क्वायर एक हो जाएगा, प्लस एक का स्क्वायर एक हो जाएगा, आप दिक्कत में फंस जाओगे, तो यक्ष का मान इनके हिसाब से कुछ भी हो सकता है, प्लस का तो माइनस का तो हो सकता है, तो माइनस का यानी कि ये हमेशा पॉजिटिव है, ऐसे समझो ना, ए स्क्वायर लग गया तो पॉजिटिव हमेशा है, लेकिन हम यह नहीं सोच पाएंगे यार कि चल क्या रहा है एक से बड़ा है कि छोटा है, नहीं कह पाएंगे, क्योंकि हो सकता है 0.1 आ जाए तो हम क्या करोगे, तो इनको ऐसे लेके चलते हैं वन माइनस आर पे एन वन माइनस आर, तो ए की वैल्यू एक्स क्यूब वन माइनस आर की वैल्यू एक्स स्क्वायर पे एन वन माइनस एक्स स्क्वायर, सॉल्व कर लोगे एक्स क्यूब वन माइनस एक्स पे पावर टू एन अपान वन माइनस एक्स का स्क्वायर, ये हमारा है आंसर, ठीक है ना। तो इस प्रकार हमने 10 क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिया इस वीडियो में बच्चों, इतना ही, अब फिर मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से जहां तक होगा अगले वीडियो में। इस वीडियो को आपने अच्छे से देखा, सारे क्वेश्चन आपने अच्छे से करे, उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद में आया होगा, अगर कहीं से कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, वीडियो पसंद आया तभी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा,
और एक बार रिवाइज जरूर करिएगा इसको और इसके एग्जाम्पल को भी अवश्य लगाइएगा। तब तक के लिए आप खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।